Hi. अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस माय नेम इज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप डरकोस का एथ स्टेप कैसे कर सकते हो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एमप्यूल कैसे यूज करना है एमप्यूल का सेवंथ स्टेप होता है एमप्यूल के बाद हम यूज करते हैं डरमाकोस का मास्क जो कि हम नंबर एट स्टेप पे करते हैं तो गाइज ये टोटल आठ स्टेप के ऊपर मैंने वीडियो आपको बना कर दी है ताकि आप इसको ईजिली फॉलो कर सको और घर में बैठ एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल समझदारी के साथ समझते हुए आप कंप्लीटली इसको फॉलो करके करोगे तो आपको एकदम सेलॉन जैसा रिजल्ट ही मिलने वाला है क्योंकि वो इसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं ठीक है और ये मैं एकदम प्रोफेशनल लेवल पे जो सेलॉन होते हैं ना मैं वहां से आपको ये, आ, देख कर बता रही हूँ कि करना है बात की जाए, के refining enzymatic mask की जाए डर्माकॉस के रिफाइनिंग मास्क तो गाइज ये स्पेशली जो फॉर्मुलेटेड है ये आपके स्किन को क्या करता है आपकी स्किन की इंप्यूरिटीज को बढ़ाता है सर्कुलर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है आपके स्किन को फ्रेश लुक देता है नर्मो मुलायम बनाता है आपके स्किन को हेल्थी बनाता है और आपके स्किन को लाइक एक बहुत ही ब्राइट लुक देता है तो गई मास्क किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ सिंपल आपने क्या करना है आपने ये जो व्हाइटनिंग मास्क का जो पाउडर होता है आपने ये लेना है और कम अज कम तीस ग्राम आपने पाउडर लेना है उसके अंदर आपने नब्बे मिलीलीटर पानी एड करना है और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा मिलाने के बाद आपने इस जो भी आपने टेक्सचर तैयार किया है इसको अपनी अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लीजिएगा बट आंखों से बचाइएगा ठीक है आप आईज पे लगा सकते हो जो आईज की स्किन का होता है बट आंखों के अंदर आपने नहीं जाने देना ठीक है इसे अच्छी तरह से इसे अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा और इसको लगाने के बाद आपने मसाज नहीं करनी होती है इसे आपने मास्क लगाने के बाद छोड़ देना है कम कम 20 20 से मिनट 20 मिनट भी हो जाए तो भी चलेगा बट तो बीस तो से कम नहीं कीजिएगा मिनट लगाने के बाद आपने इसे छोड़ देना है और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि आपने इसको स्पंज इस की मदद से साफ कर लेना है यह मत समझिएगा कि आपकी आईब्रो उड़ा देगा आईब्रो कलर कर देगा या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी ऐसा कुछ भी नहीं है ये मास्क खतरनाक नहीं होता है और ये एक कूलिंग इफेक्ट देता है आपके स्किन के ऊपर इतना ठंडा ठंडा महसूस होगा गर्मियों हो में जब आप ये फेशियल करोगे ना आपको बहुत मजा आएगा इसको करने के बाद तो गाइस ये इसका लास्ट स्टेप स्टेप होता है जो के एट स्टेप होता है है जो कि इसके बाद हम फेशियल क्या करते हैं कि हम लास्ट इसकी फिनिशिंग करते हैं और फिनिशिंग भी ना बहुत जरूरी होती है आप जब भी धूप में निकलो तो सन ब्लॉक लगाकर निकलना क्योंकि अगर आप तपती हुई जलती हुई धूप में निकलोगे तो आपने जितनी मेहनत की है फेशियल किया है वो सारी मेहनत जाया हो जाएगी क्योंकि फेशियल करने के बाद बहुत ज्यादा धूप में और बहुत ज्यादा तपती हुई गर्मी में आपने नहीं बैठना होता क्योंकि फिर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं और याद रखिएगा जब भी आप फेशियल करो एक से दो दिन पहले क्या करो जिस भी फंक्शन पे आप जा रहे हो अभी ईद का फंक्शन है इसलिए मैंने दो से तीन दिन पहले वीडियो बना दी है ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और आप लोग सिर्फ मुझे दुआएं दो ये था लास्ट स्टेप इसके बाद फेशियल फेशियल हो जाता है और ये आपको रिजल्ट देने वाला है एकदम स्टाइल ना आपको पिंपल्स होंगे ना आपको होंगे, एक होंगे एकदम फुल महंगा फेशियल भी इसको पीछे छोड़ देगा तो इतना अच्छा फेशियल है इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा हर स्टेप मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है फायदे क्या होते हैं हर एक स्टेप के अलग अलग फायदे बताएं अलग अलग पार्ट्स में ताकि आपको बिल्कुल डीट से समझ आए तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो लाइक कर देना शेयर कर देना अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाफिज